पीछे बैठे हुए कथा सुना रहे हो, पीछे बैठ के कोई कथा सुना तो कुछ समझ में आएगी नहीं, ऐसी लग रही है बातें सटी कटी हुई हुई थी, सीटी कम कर थोड़ी सी शुरू करती है। जय श्री राधे, राधे कृष्णा, श्री राधे राम, जय श्री राधे। खुलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक बार एक कूप में एक गिरगिट को पड़ा हुआ देखा यदुवंशी राजकुमारों ने, और देखेगा इस गिरगिट को जब देखा विशाल गिरगिट है, बहुत बड़ा है। भगवान कन्हैया को जाकर के बताया, गोविंद ने जाकर के उस गिरगिट को वहां से जैसे स्पर्श किया, भगवान का स्पर्श होते ही यह बड़ा सुंदर स्वरूप रख करके भगवान की स्तुति करने लगा। अब भगवान को मनाया इसने, हे प्रभु नमस्ते सर्व भगवान ब्राह्मणे अति सत्य कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। हे भगवान, आज आपने मेरा उद्धार किया है, कल्याण किया है, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, आपने मुझे मुक्त किया। ठाकुर जी ने कहा तुम कौन हो यह तो बता दो, क्या नाम है तुम्हारा और यह दशा तुम्हारी कैसे हुई, क्या कारण है, हमें बताओ तो सही। अब वो कहने लगा, महाराज मैं किसी जमाने में अंतर्ग नाम का राजा था। ध्यान से सुनना, लेकिन छोटी सी भूल भी कितना खतरनाक हो जाती है, इस विषय को ध्यान से सुनना है। एक नृग नाम का राजा था और मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय दान किया करता था भगवान। अब देखिए गाय दान करता है राजा भी है, और राजा जो होता है वो धर्म का रक्षक होता है, धर्म करने वाला। और दूसरी बात, गाय दान भी करता है ब्राह्मणों को, प्रतिदिन गाय दान करता है। भगवान ने कहा कि फिर क्या गलती हो गई थी तुमसे। इसने कहा प्रभु एक बार मेरी दान की हुई गाय ब्राह्मण से छूट करके मेरे ही गायों में आकर मिल गई, और मैंने उसी गाय को दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब ब्राह्मण को मैंने जिसे गाय दान की वो ले जा रहा था, दूसरा वाला सामने से आ रहा था, उसने कहा यह गाय तो मेरी है भाई। और उसने कहा पहले वाले ने यह गाय मेरी है, दूसरे वाले ने कहा भैया वही लाया हूं और अभी महाराज ने मुझे दी है, यह तेरी कैसे हो सकती है। अब दोनों में बहस होना प्रारंभ हो गया, लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो गया, अब दोनों ही राजा के पास में चले गए। और जब राजा के पास में गए तो राजा ने देखा गाय तो यह मैंने अभी दान की है। अब दूसरे वाले ने कहा महाराज मुझे भी तो तुमने ही दान की थी ना। उसने कहा भाई गाय तो हमारी थी ना, हमने तुझे दान की, इसे दान की क्या फर्क पड़ता, तुम दूसरी ले लो। अब राजा ने कहा दूसरी गाय तुम ले लो, तुम में से कोई भी दूसरी ले लो, लेकिन वो दोनों ही ब्राह्मण जिद कर रहे हैं हम इसी गाय को लेंगे, इसी गाय को लेंगे। और राजा सोच में पड़ गया है क्या किया जाए, लेकिन राजा होकर के उनका न्याय नहीं कर पाया, और दोनों ही गाय को छोड़ करके ब्राह्मण लड़ते झगड़ते राजा नृग के दरबार से चले गए। और सुनिए जब यह राजा नृग के दरबार से लड़ते झगड़ते चले गए तो भगवान के धाम में गए, क्योंकि बहुत बड़ी भक्ति की थी उन्हें, बहुत बड़ी भक्ति, गायों की सेवा, गायों में दान करना, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, यज्ञ अनुष्ठान करना है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा धर्म किया। लेकिन जब इन्हें पूछा भैया देखो इसका पुण्य है या पाप है, देखा गया महाराज इसका तो पुण्य ही पुण्य है। उन्होंने कहा सोच विचार कर लो थोड़ा सा। अब दोबारा से सोच विचार करके देखा गया तो एक पाप छोटा सा दिखा, बहुत छोटा पाप था। और देखिएगा कितना छोटा पाप है यह। अगर पुण्यों की बात हम करें तो पुण्य कितने बड़े हैं, सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ समान उसके बराबर पुण्य है, केवल पुण्य ही पुण्य। और देखिए पाप कितने हैं, पाप कितना बड़ा है, पाप इतना बड़ा है जैसे बालू का कण होता है ना, बालू देखिए आपने, बालू
बालू में जो सफेद सफेद सा चमकता है, ऐसा छोटा कण, ऐसे छोटे कण रूपी पाप है, केवल छोटा पाप। अब भगवान ने कहा एक बात बताऊं मैं, यह पहले पाप को रोकना चाहते हो या पुण्य को? मैंने कहा भगवान छोटा सा पाप है, पुण्य ही मेरे जीवन में है, केवल पाप तो है ही नहीं, इसलिए छोटे से पाप को पहले मैं भोग लेता हूँ। और जब इस छोटे से पाप को भोग करके इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा तो फिर सदा सदा के लिए पुण्यों को भोगता रहूंगा। और छोटे से पाप के कारण ही मुझे गिरगिट योगी में आना पड़ा। गिरगिट योनि में आना पड़ा छोटे से पाप के कारण, ध्यान रख लेना। और आज जब मैं गिरगिट योनि में आकर के रहा तो उधर की पूर्ति के लिए, मतलब पेट भरने के लिए मुझे जीव का भक्षण करना पड़ा। अब करके ला सुनता है जो करकेटा होता है, और आपने देखा होगा छोटे छोटे जीवों को पकड़ के खाता है ना, वही गिरगिट उसी को कहते हैं। वो नरक नाम का राजा ना वही बना, गिरगिट माने करकेटा नाम का जंतु। और पापियों में दूषित होकर के पाप करते 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 इतना बड़ा पाप का भंडार उसका बन गया कि सारे उसके पुण्य समाप्त हो गए, सारे पुण्य समाप्त हो गए। इतना बड़ा पुण्यों का जत्था जो पहाड़ के समान था सब समाप्त हो गया, और केवल पाप में पाप दूषित हो गया, पाप में रह गया। आज भगवान आपकी कृपा से मेरा यह उद्धार हुआ है, आज आपने मेरा कल्याण किया है। अब देखिएगा, हम कहें हमने जीवन में पाप ही नहीं किए, हम तो बड़े समय धर्म करने वाले हैं, सत्कार्यों को करने वाले हैं, आनंदमय जीवन है हमारा। और राजा नरक की बात की जाए तो यहाँ इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे? भगवान की कृपा से हम उनको करके आज भगवान के नाम के लिए जाए। एक बार प्यार से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो इस कथा से क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा तुमने? देखिएगा, इस पावन और पवित्र कथा से हमें मिला, हमें नर के जैसा अहंकार नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर हम कोई दान भी करें तो उसे गाना नहीं चाहिए, हम कहीं कुछ दें उसका बखान नहीं करना चाहिए। और हम दान यज्ञ धन तर्पण भजन मंत्र का जाप जो भी करें उसका कोई बखान नहीं करना चाहिए। हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे नहाते हैं, हम यूं करते हैं, सब बेकार। हम करते हैं केवल अपने लिए, किसी दूसरे के लिए। इसलिए ऐसा भाव प्रकट करो कि सामने वाला हमें देख करके करने लग जाए, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा भाव जाकर करो और उसमें अहंकार नहीं समाया हो, सदा कि कम करो थोड़ा करो। नगराजा ने तो बहुत बड़ा दान किया था मैंने, लेकिन हम कम करें लेकिन थोड़ा करें, अहंकार नहीं हो हमारे अंदर। और कभी आपसे कोई कहे नरक की तरफ, भैया पुण्यों को पाना चाहते हो पहले या पापों को पाना चाहते हो, तो ऐसी भूल मत करना कि हम तो पुण्य, हमने तो धर्म ही धर्म किया है, छोटा सा पाप है, पहले पाप को रोक ले। नहीं, हमें पाप में तो होना ही नहीं है साहब, भूल से हो गया होगा पाप, हमने तो किया ही नहीं, कर भी दिया है, भूल से हो भी गया है, उसका अपराध दंड मिलना भी है, तो पहले नहीं लेंगे बाद में लेंगे, पहले पुण्य रूपी प्रसाद ग्रहण कराओ, पुण्य के प्रसाद ग्रहण करने से आप नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है हमारा पाप खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी क्रियाएं, ऐसा भाव जागृत हो जाए, ऐसा कुछ हम कर दें कि पाप नष्ट हो। इसलिए हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है, बस के और कुछ नहीं मांगना। हे गोविंद ठाकुर जी, हमारे द्वारा किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, हम सब मैं केवल बने रहे और कुछ नहीं के लिए। बोलेंगे गोविंद भगवान, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। कन्हैया से एक बार यही बात कहना है, मन में बसाया है श्याम तो दुनिया की में क्या चिंता है, गोविंद को अपने मन मंदिर में बसा लो। तिलक लगाने लगा है, चुटिया भी रखा रहा है आजकल तो है, ये दुनिया वाले हैं, ये हमें पाप में तैरना चाह रहे हैं,
हम तिलक लगाते हैं अपने लिए लगाना है। दुनिया बक रही है बकने लोग, हमारी चोटी अपने लिए हमारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो एक दिन चार दिन रहेगी पर बाद में बंद हो जाएंगे, ये कहना। और तुमने अगर इनके डर से बंद कर दिया ना, सदा सदा के लिए बच्चे रह जाओगे। दुनिया वाले तो एक दिन दो दिन चार दिन टूट देंगे। तुम्हें बड़ा तवज्जो करना है, आजकल बड़ा वजन कर रहा है, बड़ा टेंशन लगाता है अस्तर पर, अब तो चोटी भी डांटने लग गया है। दो चार छह दिन कहेंगे, उसके बाद में ये बंद हो जाएंगे, ये नहीं कहेंगे। या तो दो चार दिन भटकाने वाले, और दो चार से दस दिन में अगर हम सत्य में है, हमने ध्यान नहीं दिया उसका, तो हम ठाकुर जी से लग गए, जुड़ गए। हमने अगर विषय रूप का संसार रूप भावनाओं का ध्यान दिया तो परमात्मा से अलग हो गए, संसार की माया में है। अगर संसार की माया में नहीं, ठाकुर जी से स्नेह लगाना बिल्कुल गोपियों की तरह। गोपियों के लिए क्या क्या कहते थे जमाने वाले, लेकिन उन्होंने कन्हैया को पाया माया ऐसी ऐसे हमने सारा जमाना बदनाम करे, दुनिया बदनाम करता रहे कोई फर्क नहीं। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कन्हैया अपना बना ले, अपना सारा दे दे हमें। और कन्हैया ने हाथ छोड़ दिया, सारा छोड़ दिया, दुनिया सारा दे, कुछ नहीं होने वाला। गोपियां कह रहे हैं दुनिया का अलग है, क्या लेना देना, दुनिया को संसार बन रहा है, लेकिन हमें कन्हैया की प्रीति है। हमें तो काना से प्रीति है, इसलिए हमारा तो कन्हैया हमारे साथ रहना चाहिए, हमें दुनिया से कोई लेना देना। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, लेकिन कोई नहीं मिला, लेकिन जब कन्हैया को याद किया, काना को याद किया, तो पता है क्या किया उसने? एक दिन गई मैं दुनिया भरन को, एक दिन गई मैं दुनिया भरन को, कन्हैया भरन को मैं भूल की भरन को, उठाने का वो काम करे। जैसे तुरंत आकर के ना मेरी मटकी को फेंक दिया, हाँ मटकी उठाने का वो काम करे, हाँ मटकी उठाने का वो काम करे। मेरा प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
मैया ने नियोत दिया भोजन करने के लिए आ रहे बेचारे।
भोजन करने के लिए आए हैं, ध्यान से सुनना, देखिए बहुत अच्छी बात है, जब भोजन करने आए तो मैया ने कचौड़ी पूड़िया लड्डू मिठाई मेवा मिष्ठान जो भी था ना सब रख दिया, तीन चार तरह की तो सब्जियां थी, मिठाइयां थी, पूड़िया रायता सब्जी खीर और जो भी होता सब रख दिया। लेकिन मैया ने पापड़ और बनाए थे, ध्यान रखना, लेकिन पापड़ है ना वो रसोईया रसोई में रखे रह गए और भूल गई पापड़ परोसना। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि कुछ सामान रखा है हमने परोसने के लिए, लेकिन हम भूल ही जाते हैं उसे परोस नहीं पाते, बाद में ध्यान होता है। अरे भैया पंडित जी ने तो भोजन कर लिया, हम तो रह गए, हमने दे दिया, हमें ऐसा होता है, और पापड़ रह गए। लेकिन वो गुरु जी कैसे थे पता है, महाराज जी अब भोग नहीं लगाए, माता जी के भोग लगाओ गुरु जी, अरे बाबा भोग लगाओ, और महाराज जी का ध्यान पापड़ों पर, रसोई में पापड़ों, ये क्यों नहीं करे, पापड़ों पर ध्यान है, पापड़ क्यों नहीं परोसे, अब कैसे भोग लगाए मन पापड़ों पर, पापड़ कैसे आए, और जब पापड़ आ जाए भोग तभी लगाए अच्छे मन से। मैया भूल गई पापड़ों को परोसना, मैया ने कहा महाराज जी भोग लगाओ, हाँ लगा दे, लेकिन भैया भोग क्या लगा है, तो याद एक बात बताए, आज तो जैसे तैसे बचे, भैया कहने लगे सब खैरियत तो है ना, अरे खैरियत क्या, बड़ा मुश्किल से मिले हम बचे हैं आज, क्या बात हो गई, अरे रास्ते में आ रहे थे ना एक काला सांप बहुत लंबा मिल गया, भैया ने कहा कितना लंबा था, अरे भैया आप पूछे ना बस, यहाँ मैं हूँ ना, यहाँ से तो पापड़ों तक इतना लंबा, जो पापड़ रखे है ना यहाँ से लेकर उन पापड़ों तक इतना लंबा था, और जैसे पापड़ों तक इतना लंबा था, मैया घुसे याद आ रहे हाय मैया महाराज पापड़ मैं तो पापड़ ही परोसना भूल गई तुम्हें और तुम्हारे लिए बनाए थे, महाराज ने कहा नहीं मैं पापड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सांप की बात कर रहा हूँ, सांप इतना लंबा था, वैसे तुम कह रहे महाराज जय तो वहां बैठी है भूले कैसे पकड़े भी, महाराज जी की तरह भाना वाना भोजन तो वहीं गया, भोग लगाओ पापड़ की जगह किस्मत में होंगी तो मिल जाएंगे, लेकिन नहीं चाहिए जय को पकड़ मांगा आज से बोलो राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री रामेश। बड़ा सुंदर देखिएगा, इसलिए मैंने आपको यह बताया है कि कभी भी जीवन में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए ना तो पुण्य का भाव अर्जित करना, जीवन में हमें पुण्य चाहिए, हमें पाप से कोई लेना देना नहीं, केवल पुण्य दीजिए, चाहे छोटा ही है कम है लेकिन हमें पुण्य चाहिए, हम पुण्य लेंगे और हमारे पुण्य के प्रताप से जो फल हमें मिलना चाह रहा है वो दे दो। अब देखिए मैं तुम्हें पुण्य के प्रताप का फल बताऊं, केवल एक बार राम कहने से, एक बार की बात थी, एक सज्जन एक व्यक्ति था जो बहुत भोजन करता था, घर वाले परेशान थे, काम धंधा कुछ नहीं करता था, एक दिन संत जी पधारे गांव में, घर वालों ने परेशान होकर के कहा गुरु जी से ले जाओ, गुरु जी ने कहा ऊपर क्या फर्क है, अगर ये जाना चाहता है तो भेज दो, उसने कहा भाई तुम्हारे साथ चलेगा, वो कहने लगा हाँ चलेंगे तो है लेकिन एक शर्त है, क्या, हम काम कोई नहीं करते हैं, खाना ज्यादा खाते हैं, और सुनो हमसे तुम कुछ कहोगे नहीं, हमारी मर्जी में आएगा सो करेंगे। गुरु जी ने कहा हमारा क्या जा रहा है, सो हम तुझसे कहेंगे तेरी मर्जी में आए सो करना, हम तो कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे। अब ऐसी ऐसा सुंदर भाव, घर वाले तो परेशान करते थे ना, लेकिन इतना सुंदर जब उसका भाव देखा तो उन्होंने कहा इससे अच्छा स्थान मिलेगा कहाँ, आराम से खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे और गुरु जी कुछ नहीं कहेंगे, इतने सूधे गुरु जी मिल गए, ठीक है चलो जल्दी दीक्षा दे दी उसे, अच्छा काम बढ़िया रहता, लेकिन उसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, परेशानी करता रहता है, यहाँ आप ही शिष्यों को परेशान करता है, घर वालों को परेशान करता रहता था, पूरा जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप, बहुत बड़ा निठल्ला है यह व्यक्ति, कोई काम नहीं करता।
एक दिन गुरुजी साथ में ले गए जंगल में समधा लेने के लिए। और देखिए जब समधा लेने के लिए साथ में गुरुजी ले गए तो गुरुजी ने समधा पीनते हुए उससे कहा कि भाई नहीं एक काम करेगा अब धीरे धीरे प्रीति भी हो गई गुरुदेव से उसकी, कुछ कहते नहीं है सीधे व्यक्ति है, कितने भले आप ही हमारे गुरु जी बहुत अच्छा प्रीति हो गई। गुरु जी ने कहा एक काम कर हमारे कहने से एक बार मन से प्रसन्न होकर के ऐसा कह दे राम। उसने कहा नहीं कहूं तो गुरु जी ने कहा नहीं कहे तो मत कहा हमारा क्या बिगड़ता, लेकिन हमारा मन है अगर एक बार कह दे तो बिगड़ेगा ही क्या, कुछ बिगड़ेगा क्या। और उसने देखा बड़े अच्छे गुरु जी हैं कुछ और तो कह नहीं रहे बस ऐसे भी कह रहे हैं कि एक बार बोलो राम प्यार से। उसने कहा चलो ठीक है बोल देते हैं और एक बार बड़े प्यार से बोला राम। गुरुजी ने कहा बन गया तेरा और चला गया। गुरुजी ने कहा एक बात का और ध्यान रखना शिष्य हाँ अगर कभी भी तुझे इस राम नाम के बदले में कोई कुछ देना चाहे ना तो मत लेना कभी भी कहीं भी अगर तुझे राम नाम के बदले में कोई भी कुछ भी दे लेना बस यही कहना कि जो राम के बदले में दिया जाना चाहिए जो राम के बदले में हकीकत में मिलना चाहिए जो राम के बदले में होता है वही दो बस यह कहना है और मरना तो सत्य है जाना तो पड़ेगा ना कड़वा सत्य है बुढ़ापा नाम मतलब मृत्यु कड़वा सच है यह टलती रहेगी निश्चित है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसने मृत्यु को टाला होगा मृत्यु सच है मृत्यु हो गई चला गया यमराज पाप किया था और जब पाप किया तो यमराज के दूध ले गए जब यमराज के दूध पकड़ के ले गए तो अब तो फायर फूल फूल के देख रहे हैं कोई पुण्य किया है क्या कोई पुण्य किया है क्या अब तो पाप ही पाप पाप ही पाप पाप ही पाप। किसी ने कहा महाराज एक पुण्य किया है इसने क्या किया एक बार कहा है इसने अपने गुरु जी के साथ में राम। यमराज ने कहा तो इसे पूछो राम के बदले में क्या लेना चाहता है और जो भी लेना चाहता है वही ले दो जो भी। उसने कहा भैया तुमने एक बार राम कहा है हाँ क्या लेगा राम कहने के बदले में। उसने कहा जो राम के बदले में होना चाहिए वही दो मैं और कुछ नहीं लूंगा। यमदूत से आकर कहा सेवकों ने महाराज वह कह रहा राम के बदले में जो मिलना चाहिए वही दो। यमराज ने कहा और कुछ लोग दे दो जो जैसा। उसने कहा कुछ नहीं लूंगा मैं तो वही लूंगा जो राम के बदले में मिलना चाहिए। अब यमराज की खूबड़ी घूमने लगी हमें तो पता ही नहीं कि राम के बदले में क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा भैया एक काम करो ब्रह्मा जी के पास जाते ब्रह्मा जी के पास में आ गए और ब्रह्मा जी को कहा प्रभु जी एक बार जीवन में से राम कहा है और इस एक बार राम कहने का फल क्या होता है यह बता दो हमें जो इसे दें। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो भैया क्या एक बार राम कहने का फल क्या होता है एक बार राम कहने का फल क्या होता है या मेरे मुझे नहीं पता क्या होता है क्या फल दिया जाए। उन्होंने कहा फिर किसके पास में चले तो उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ है ना उनके घट घट में राम है उनके आराध्य है राम उनके हृदय में राम समाये हैं वो राम भय है उनसे भला कौन जानता है इसलिए भोले बाबा के पास में आते हैं। और भोले बाबा से आकर कहा प्रभु जी यह व्यक्ति है ना इसने एक बार राम कहा है हमें यह बताओ कि राम के बदले में इसे क्या दें। भोले बाबा ने कहा राम मेरे घट में है राम मैं हूँ राम मेरे आराध्य हैं राम ही सर्वस्व हैं मैं राम मैं हूँ लेकिन मुझे नहीं पता भैया कि राम के बदले में क्या देना चाहिए। अब तो बड़ी समस्या भगवान भोलेनाथ ने ही कह दिया
अब तो फिर कहाँ चले तो कौन बताएगा इस बात को? भोलेनाथ ने कहा जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते। और भगवान राम के दरबार में आ गए। कैसे आना हुआ, क्यों आए, वो गुजर पूछी। उन्होंने कहा महाराज जी इस व्यक्ति ने एक बार राम बोला है और राम बोलने पर एक बार राम बोलने से इसे इन्हें किसे क्या दिया जाएगा, क्या फल है इसे वो बता दो बस। राम जी ने कहा सुनो नाम तो मेरा ही है लेकिन एक बार राम बोलने का फल क्या होता है मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता। अब तो लोग में हर जगह गए लेकिन कोई नहीं बता पा रहा है कि राम बोलने का क्या फल दिया जाए, इस राम तत्व का फल क्या है, राम बोलने का क्या फल है। यमराज ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। राम जी ने कहा परेशानी खत्म हो जाएगी, कैसे, एक काम करो नाम मेरा बोला है ना इसे, हाँ तो इसे मेरे यहाँ छोड़ दो, मेरा नाम बोला है मेरे यहाँ छोड़ जाओ और तुम लोग जाओ। और जब सारे लोग चले गए देखिएगा वह राम जी की शरणागति में रहने लगा, राम जी की शरणागति और साकी तक नाम में रहकर के भगवान के उनके निवास कर। एक बार सत्यमय भाव से राम बोला मेरा फल, बोलने वाला फल कितना आनंद मिल रहा है, लेकिन राम मैं बनेगा हमें नहीं, हमको राम रहे प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी भूल हमें नहीं करनी है जो नए राजा ने की थी, अहंकार मत, ये वासनाएं हमारे पास नहीं होनी चाहिए। जैसा किया जो किया, जो हम कर रहे हैं जो सब ठाकुर जी का है, ठाकुर मैं है, गोविंद ने कराया गोविंद करा रहे हैं, गोविंद की वृद्धि कर रहे हैं, बस कृपा ने नाम वही है। और जब केवल सर्वस्व उन्हें सौंप दोगे, अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान के हाथों में सौंप दोगे तो फिर देर नहीं है, और अगर अपने आप में रखोगे तो फिर कल्याण नहीं। आगे भगवान ने सुखदेव स्वामी ने कहा है एक बार अपने सारे पुत्रों को बिठाल करके बड़ा प्यारा उपदेश किया है, नाहम हलाहलम नन्ने विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मा संहित संप्रोक्तम नाश प्रतिविधो भव। भगवान ने कहा है अपने बच्चों से भैया विष खाने के बाद मृत्यु हो सकती है, अगर समय पर औषधि मिल जाए, समय पर दवा मिल जाए तो प्राण बच भी जाते हैं। विष खाने के बाद अगर समय पर औषधि मिल जाए